हेलो डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे। माय सेल्फ विनय कुमार बिंद एंड वेलकम टू माय चैनल केम टू बाय विनय सर। तो डियर स्टूडेंट, आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं क्लास 10th साइंस का पेपर जो कि कंडक्ट हुआ था मार्च 2018 में। तो यहाँ पर जो 50 MCQ है, तो उन 50 MCQ को हम लोग देखेंगे और उनका आंसर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं। जो पार्ट ए है आपका 1 आवर का होता है, 50 मार्क्स है। पार्ट बी जो है 2 आवर्स का और 50 मार्क्स का होता है। तो टोटल पेपर जो है 100 मार्क्स का है, ठीक है। यहाँ पर कुछ डिटेल दिए हुए हैं, इंस्ट्रक्शन दिए हुए हैं, ठीक है। तो चलिए देखिए, सबसे पहला जो फर्स्ट क्वेश्चन है क्या दिया है, विच टाइप ऑफ बॉन्ड इज फॉर्म बाय कार्बन विथ अदर कार्बन एटम, ठीक है। कार्बन कार्बन एटम से या अदर एटम से कैसा बॉन्ड बनाता है? सिंपल सी बात है, कार्बन क्या होता है, इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग करके बॉन्ड बनाता है। और इलेक्ट्रॉन का जहाँ पर शेयरिंग होता है, ठीक है, इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग जब होता है तो वो जो बॉन्ड फॉर्म होता है उसको बोलते हैं क्या, कोवेलेंट बॉन्ड। तो कार्बन कैसा बॉन्ड बनाता है, कोवेलेंट बॉन्ड, ठीक है। तो इसका जो फर्स्ट का आंसर होगा कोवेलेंट बॉन्ड, ऑप्शन ए, ओके। क्वेश्चन नंबर टू क्या दिया है, ड्यू टू डेवलपमेंट ऑफ विच टेक्नोलॉजी एंटीजिंग ड्रग्स इज इन्वेंटेड, तो बायोटेक्नोलॉजी से ये इन्वेंट हुआ था, ठीक है। क्वेश्चन नंबर टू का सी ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर थर्ड है, फोकल लेंथ ऑफ वन कॉन्वेक्स मिरर, ठीक है, इज 3 मीटर एंड ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इज 5 मीटर, देन फाइंड द इमेज। तो कॉन्वेक्स मिरर का फॉर्मूला आप कर रहे हो तो ये क्वेश्चन बहुत आसान से फॉर्मूले बेस्ड क्वेश्चन था, इसका बी ऑप्शन हो जाएगा, ओके। क्वेश्चन नंबर फोर क्या दिया है, विच डिवाइस इज यूज टू मेजर द पावर ऑफ लेंस, ठीक है, डायोप्टर यूज करते हैं, इसको कैपिटल डी से डिनोट करते हैं, ठीक है, बहुत आसान से क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर फाइव क्या दिया है, व्हेन व्हाइट लाइट इज इंसिडेंट ऑन ब्लू पिगमेंट विच कलर आर रिफ्लेक्टेड, ठीक है। तो यहाँ से जो कलर रिफ्लेक्ट होगा, ग्रीन ऑरेंज एंड येलो कलर यहाँ से रिफ्लेक्ट होगा, ठीक है। सॉरी, क्वेश्चन नंबर फाइव का जो ऑप्शन होगा वो बी होगा, ग्रीन ब्लू एंड वायलेट, ठीक है। तो ऑप्शन इसका फिफ्थ का बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर सिक्स, ऑप्टिकल फाइबर विच इज यूज्ड इन कम्युनिकेशन वर्क ऑन विच प्रिंसिपल। अभी तो 5G आ रहा है तो उसमें ऑप्टिकल फाइबर यूज करते हैं, इससे नेट की स्पीड क्या होती है, फास्ट होती है। तो ये जो बेस्ड होता है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन पे बेस्ड होता है, ओके। क्वेश्चन नंबर सेवन है, विच इफेक्ट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ब्लू कलर ऑफ स्मोक ड्यू टू टिंडल इफेक्ट। टिंडल इफेक्ट क्या होता है, स्कैटरिंग ऑफ लाइट, ठीक है। तो टिंडल इफेक्ट कारण ऐसा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर एट जो दिया है, यहाँ पर देखिए एक डायग्राम दिया हुआ है, विच इंस्ट्रूमेंट इज रॉन्गली कनेक्टेड इन सर्किट इज अ गिवन। तो यहाँ पर देखिए वोल्ट मीटर जो होता है वो रॉन्ग दिया हुआ है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर एट का ए ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर नाइन, When 2 ampere current is passed through the conduct in 10 seconds, 80 जूल हीट इज प्रोड्यूस, देन फाइंड द रेजिस्टेंस, ठीक है। तो ये भी फॉर्मूले बेस्ड क्वेश्चन, इसको सॉल्व करेंगे तो ऑप्शन ए आएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10, कन्वेंशनली विच कलर्ड वायर इज यूज ऑफ अर्थन। तो यहाँ से जो अर्थिन के लिए कौन सा वायर किस कलर का यूज होता है, ये चीज़ है, तो ग्रीन कलर का होता है, ठीक है। आपने रेड ग्रीन एंड वाइट देखा होगा, तो ग्रीन जो होता है वो अर्थिन के लिए यूज होता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11, विच डिवाइस इज यूज टू चेक द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। तो इलेक्ट्रिक करंट के लिए क्या कौन सा डिवाइस यूज करते हैं, तो गैल्वेनोमीटर यूज करते हैं, ठीक है, कि करंट पास हो रहा है या नहीं हो रहा है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12, इन फिगर मैग्नेटिक फील्ड बिटवीन टू मैग्नेट इज शोन, विच मैग्नेटिक पोल आर प्रेजेंट एट एंड ए एंड बी रिस्पेक्टिवली। तो देखिए यहाँ से ए से बी की तरफ जा रहा है, तो ए जो होगा वो नॉर्थन पोल होगा एंड साउथ पोल बी होगा। ऐसा कौन सा ऑप्शन दिया है, तो ऑप्शन यहाँ से क्या हो जाएगा, बी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13 क्या दिया है, 13 क्या दिया है कि वाइट टेल ऑफ कॉमेट इज फॉर्म व्हेन कम क्लोजर टू सन, आइस प्रेजेंट इन कॉमेट गेट वेपराइज, ठीक है। तो ये चीज इसका सी ऑप्शन होगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन नंबर 14 दिया है, विच स्टेटमेंट ऑफ फॉलोइंग प्रोवाइड द करेक्ट इन्फॉर्मेशन अबाउट स्टार। तो टेम्परेचर ऑफ ब्लू कलर्ड स्टार इज लेस देन रेड कलर स्टार, ठीक है। तो यहाँ पर ये जो है, ठीक है, ऑप्शन जो होगा वो बी होगा, 14 का बी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 15,
विच ऑफ फॉलोइंग इज नॉट नेचुरल सैटेलाइट, ठीक है, नेचुरल सैटेलाइट कौन सा नहीं है, तो 15 का जो होगा वो आर्यभट्ट, ये नेचुरल नहीं है, ठीक है, ये नेचुरल सैटेलाइट, बाकी डीमोस, रेओन्स एंड ट्रिटोन ये नेचुरल सैटेलाइट होते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, विच प्लैनेट ऑफ सोलर सिस्टम डज नॉट हैव नेचुरल सैटेलाइट, जिनका नेचुरल कोई सैटेलाइट नहीं होता, उपग्रह नहीं होता, कौन सा है, वेनस एंड मर्क्यूरी, ठीक है, बाकी सबके पास है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 17, व्हाट इज द ब्रोंस्टेड लोरी एसिड, ब्रोंस्टेड लोरी एसिड क्या होते हैं, एसिड विच डोनेट प्रोटॉन, ठीक है, तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए, ठीक है, डोनेट प्रोटॉन, जैसे HCl है, इसको एक्वा सोल्यूशन बनाएंगे तो ये प्रोटॉन क्या होगा, डोनर होगा, H प्लस यहाँ से क्या करेगा, डोनेट करेगा, तो ये ब्रोंस्टेड लोरी एसिड होते हैं। बेस क्या होते हैं, जो H प्लस आयन क्या करते हैं, हाइड्रोजन प्रोटॉन क्या एक्सेप्ट करते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 18 क्या दिया है इसमें, विच स्टेटमेंट इज ड्रॉन रिगार्डिंग टू pH स्केल, सोरेंसन ने, pH का पावर ऑफ हाइड्रोजन होता है या पावर ऑफ पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन होता है, सोरेंसन बिल्कुल करेक्ट आंसर है, pH स्केल ये भी करेक्ट आंसर, ये भी करेक्ट है, pH स्केल इज अप्लीकेबल टू नॉन एक्वा सोल्यूशन, ये बी ऑप्शन जो है आपका, सी ऑप्शन जो है गलत है, ये एक्वा सोल्यूशन होता है, नॉन एक्वा सोल्यूशन pH नहीं बता सकते, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19, इसमें क्या दिया है, विक्रम भाई हैज एक्सप्लेन द डेफिनेशन ऑफ एसिड बेस गिवन बाय रॉबर्ट बॉयल एंड क्लासरूम, द आफ्टर स्टूडेंट ऑफ क्लासरूम ही हैव गिव सम सजेशन रिगार्डिंग द एसिड बेस विच ऑफ, ठीक है, रॉन्ग आपको बताना है। तो प्रशांत ने बोला कि एसिड आर सोर इन टेस्ट एंड बेस आर, बिल्कुल सही है। ध्रुवी बोला एसिड डज नॉट गिव एनी इफेक्ट ऑन वेट ब्लू लिटमस पेपर वाइल टर्न, ठीक है, तो ये गलत है, इसने गलत बोला, ये सही है, सेजल एसिड, ठीक है, ये भी सही है और जयदीप भी सही है, तो ध्रुव जो है, ध्रुवी जो है वो गलत है, तो इसका जो आंसर होगा 19 का वो सी ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट जो है क्वेश्चन नंबर 20 है, विच सब्सटेंस इज नॉट यूज्ड फॉर रिमेडी ऑफ एसिडिटी, तो यहाँ पर हाइड्रोक्लोरिक एसिड हम यूज नहीं करते हैं एसिडिटी में, ठीक है, तो ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट जो है 21, मैग्नीशियम कार्बोनेट हीट करते हैं, यहाँ से जीती है कैल्सिनेशन प्रोसेस है, कैल्सिनेशन क्या होता है, हीटिंग ऑफ मेटल कार्बोनेट इन अब्सेंस ऑफ एयर टू फॉर मेटल ऑक्साइड एंड CO2 गैस, ठीक है। क्वेश्चन नंबर, विच एलॉय इज यूज टू मेक एयरक्राफ्ट, ड्यूरालिमीन होता है, ये यूज होता है एयरक्राफ्ट के मेंटेनेंस में। नेक्स्ट है, विच गैस इज यूज प्रिजर्वेटिव फ्रूट जूस ऑफ जैम, SO2 सल्फर डाइऑक्साइड गैस यूज होता है, ये सब अप्लीकेशन में है, ठीक है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, रमेश भाई सेड व्हेन सरफेस ऑफ एनी मेटल कम इन कॉन्टेक्ट विथ एयर वाटर आर ह्यूमिडिटी कोरोजन विल स्टार्ट, फॉर दिस दिव्या दर्शना एंड जिग्ना हैव सर्टेन स्टेटमेंट हुज स्टेटमेंट इज ट्रू, किसका स्टेटमेंट ट्रू है, ठीक है। तो दिव्या ने क्या बोला, व्हेन पेंट इज अप्लाइड ऑन सरफेस ऑफ आयरन कोरोजन विल बी स्टार्ट, ठीक है, तो यहाँ पर देखिए ये तो गलत है, ठीक है। दर्शन ने बोला इन टेस्ट ट्यूब आयरन पुट इन सच अ मैनर दैट हाफ पोर्शन ऑफ आयरन सिंक वाटर देन कोरोजन स्टार्ट, ये बिल्कुल सही है। व्हेन सरफेस ऑफ आयरन केप्ट इन ओपन इन एयर देयर विल बी नो कोरोजन, ये भी सही है। तो यहाँ पर जो ऑप्शन बन रहा है, ठीक है, ऑप्शन सी, ठीक है, जिग्ना एंड दर्शन जो थे राइट थे, दिव्या जो थी रॉन्ग थी, ठीक है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 25, इन प्रिपरेशन ऑफ विच मेडिसिन अमोनिया इज यूज, तो पैरा एमिनो बेंजोइक एसिड में यूज होता है अमोनिया का, ठीक है। नेक्स्ट जो यहाँ पर क्वेश्चन है, पेयर मैचिंग का क्वेश्चन है, एक्स एंड वाई दिया है, तो एक्सट्रैक्शन ऑफ सल्फर जो होता है वो फ्रेश मेथड से यूज होता है, तो आप फर्स्ट का क्यू होगा, और ऐसा ऑप्शन आपको बी में दिख रहा है, तो बी इसका आपको, बाकी आपको चेक ही नहीं करना था, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 27, विच सब्सटेंस फ्रॉम फॉलोइंग ऑप्टेन ड्यूरिंग डिस्ट्रक्टिव डिसोल्यूशन ऑफ मिनरल कोल, मीथेन ऑप्टेन होता है, जिसका फॉर्मूला क्या होता है, CH4, ओके। 28, व्हाट इज द केमिकल फॉर्मूला ऑफ एसीटोन, एसीटोन नेल पॉलिश रिमूवर में यूज होता है, CH3CO CH3 एसीटोन। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है 29, विच गैस इज ऑप्टेन बाय रिएक्शन ऑफ कैल्शियम कार्बाइड विथ वाटर, तो इथाइन बनता है, कैसे, कैल्शियम कार्बाइड क्या होता है, CaC2, और प्लस यहाँ से वाटर से हम कराएंगे तो यहाँ से क्या बनता है, C2H2, और प्लस यहाँ से कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मेशन होता है, इसको बैलेंस कर लेंगे, ठीक है। तो इसका ऑप्शन जो होगा 29 का सी ऑप्शन। 30 क्वेश्चन, विच मेटल प्रोड्यूसेस डाइहाइड्रोजन गैस बाय रिएक्शन विद कोल्ड वाटर, तो कोल्ड वाटर जो हाई रिएक्टिव मेटल्स होते हैं पोटेशियम सोडियम, कोल्ड वाटर से
हाइड्रोजन गैस यहाँ से रिलीज करते हैं। ओके 31 क्वेश्चन दिया है, रेस्पिरेशन इन प्लांट इन डिफरेंट फ्रॉम रेस्पिरेशन विथ एनिमल विथ दिस रिगार्ड विच स्टेटमेंट इज नॉट सुटेबल। तो पार्ट ऑफ प्लांट परफॉर्म रेस्पिरेटरी, ठीक है ये तो सही है, आपको कौन सा नॉट सुटेबल, देयर इज लिटिल ट्रांसपोर्ट, ये भी सही है, ये भी सही है, तो इसका जो होगा एस आंसर होगा, ऑप्शन सी ओनली एस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ फॉलोइंग इज अ रिएक्शन अकरिंग बिटवीन एल्कोहल एंड कार्बोक्जिलिक एसिड इन प्रेजेंस ऑफ, तो यहाँ पर एस्टरीफिकेशन रिएक्शन होता है, एल्कोहल को कार्बोक्जिलिक कराते हैं तो एस्टर फॉर्मेशन होता है और इसी प्रोसेस को बोलते हैं एस्टरीफिकेशन। ठीक है क्वेश्चन नंबर 33 क्या दिया है, विच ऑफ फॉलोइंग इज नॉट यूज ऑफ एसिटिक एसिड। ठीक है तो प्रिपरेशन ऑफ विनेगर में, प्रिपरेशन ऑफ वाइट, इसमें भी यूज होता है, इसमें भी यूज होता है, इसमें भी यूज होता है, यहाँ पर नेल पेंट रिमूवर में एसीटोन यूज होता है, एसिटिक एसिड यूज नहीं, तो इसका ऑप्शन क्या होगा, आंसर डी। क्वेश्चन नंबर 34 बहुत आसान है, विच फंक्शनल ग्रुप प्रोसेस बाय एल्डिहाइड में CHO ग्रुप होता है। ठीक है नेक्स्ट 35 जो क्वेश्चन है, द लॉस ऑफ वाटर इज फॉर्म ऑफ वाटर वेपर फ्रॉम एरियल पार्ट ऑफ प्लांट इज नोन बाय विच नेम। ठीक है किस नेम से जाते हैं, तो ट्रांसपिरेशन इसको बोलते हैं। ठीक है सी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 36 जो है, विच ऑफ फॉलोइंग इज नॉट फंक्शन ऑफ लिम्स। ठीक है तो इसका फंक्शन जो है, इट सप्लाई O2 एट डिफरेंट ऑर्गन, इसका ये फंक्शन नहीं है। ठीक है लिम का। क्वेश्चन नंबर 37 कलेक्टिंग, ठीक है ट्यूबवेल्स ओपन इन विच पार्ट, तो रीनल पेल्विस में ये ओपन होता है। ठीक है नेक्स्ट जो है 38 क्वेश्चन, विच ऑफ फॉलोइंग स्टेटमेंट नॉट सुटेबल इन कॉन्टेक्ट ऑफ GH ग्रोथ ऑफ हार्मोन्स, तो इसका जो आंसर होगा वो ड्यू टू GH पर्सन इन आइडेंटिफाई मेल हुज पॉसिबल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ हेल्थी ब्यूटीफुल वुमेन, तो बी ऑप्शन होगा। क्वेश्चन नंबर 39, विच ऑफ फॉलोइंग हार्मोन्स प्रिपेयर आवर बॉडी फ्रॉम एक्शन ऑफ, ठीक है इमरजेंसी सिचुएशन, तो एड्रेनलिन यहाँ से फॉर्म होता है। ठीक है इमरजेंसी सिचुएशन में। नेक्स्ट है, वट इज़ द टेम्परेचर ऑफ टेस्टिस का, जो टेम्परेचर होता है 2 to 3 डिग्री लोअर देन बॉडी टेम्परेचर से कम होता है। ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन 41, फ्रॉम विच पार्ट ऑफ एम्ब्रियो गेट न्यूट्रीशन, ठीक है तो प्लेसेंटा में ये यहाँ से न्यूट्रीशन होता है। 42 क्वेश्चन है, विच बैक्टीरिया कॉजेज सिफिलिस, ठीक है कौन सा बैक्टीरिया है, तो यहाँ से ट्रेपोनिमा एंड पेलीडियम जो है ये यहाँ से यूज कॉजेज होता है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है 43, द कंटिन्यूटी ऑफ फीचर फ्रॉम द वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन हेरिडिटी, इसको बोलते हैं सी ऑप्शन, इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट जो है 44 क्वेश्चन, द ऑर्गन विच परफॉर्म डिफरेंट फंक्शन बट हैव सेम बेसिक स्ट्रक्चर इज नोन एज होमोलोगस ऑर्गन्स, इसको बोलते हैं। ठीक है क्वेश्चन नंबर 45, विच ऑफ फॉलोइंग इज नोन एज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ इन्वायरमेंटल इको सिस्टम, इसको बोलते हैं। ठीक है 46 क्वेश्चन, विच ऑफ फॉलोइंग इज एग्जाम्पल ऑफ नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट पॉलीथीन, ठीक है इसका मोनोमर इथीन होता है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, फ्रॉम वेयर द ग्रेजिंग फूड चेन स्टार्ट, ठीक है कहाँ से स्टार्ट होता है, प्रोड्यूसर। ठीक है नेक्स्ट जो क्वेश्चन है 48 का, साइंस टीचर, ठीक है ममता बेन गिव द सर्टेन स्टेटमेंट रिगार्डिंग द इम्पोर्टेंस ऑफ ओजोन लेयर, विच स्टेटमेंट इज टोटली करेक्ट, कौन सा स्टेटमेंट है, तो ट्रोपोस्फेयर इज नॉट डियरेस्ट लेयर फ्रॉम द अर्थ, ठीक है तो ये इनकरेक्ट है, एट हाइट ऑफ अबाउट 50 किलोमीटर स्ट्रेटोस्फेयर ओजोन लेयर इज लोकेटेड, तो ये बिल्कुल यहाँ से करेक्ट ऑप्शन बी सेकेंड पार्ट, ओजोन मिक्स विद लेयर ये गलत है, ये भी गलत है, तो इसका जो आंसर होगा ओनली स्टेटमेंट सेकेंड बी ऑप्शन होगा। 49 जो क्वेश्चन है, इन विच टुक नेम ऑफ एंडेगर्ड प्लांट स्पीसीज आर पब्लिश रेड डेटा बुक में, ये पब्लिश्ड होता है। लास्ट जो क्वेश्चन है MCQ का 50 क्वेश्चन, वन स्टूडेंट मेक द, ठीक है कैलिडोस्कोप यूजिंग स्पीसीज ऑफ कलर्ड ग्लास विच आर ही हैज यूज टू प्रोटेक्ट द एनवायरमेंटल, तो इसका जो आंसर होगा क्या होगा, रिड्यूस। ठीक है तो आंसर ए हो जाएगा। बाकी ये हो गए 50 MCQ क्वेश्चन, बाकी थ्योरेटिकल क्वेश्चन भी आप देख लीजिए, टोटल सेक्शन ए में 2 मार्क्स क्वेश्चन आते हैं। और अब 30 वर्ड में यहाँ देखिए कि याद एक्सप्लेन द स्ट्रक्चर ऑफ कार्बन नैनो, ठीक है बूट्स क्या होते हैं, नेम द इम्पॉर्टेंट रिलेटेड नैनो टेक्नोलॉजी, बाकी इलेक्ट्रिक करंट डिवाइस इंस्ट्रूमेंट बहुत आसान से क्वेश्चन है, फिजिक्स का है, बाकी यहाँ से ये भी न्यूमेरिकल है फिजिक्स का, सोलर सिस्टम, ठीक है
और न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन क्या होता है जिसमें एसिड बेस रिएक्ट करके सॉल्ट एंड वाटर बनाते हैं, ठीक है, इसका एग्जांपल भी है। इंपॉर्टेंस ऑफ पीएच इन सॉइल, ठीक है, तो ये सब क्वेश्चन है। फोर यूजेज ऑफ हाइड्रोजन, रिफ्लेक्शन एक्शन, ठीक है, मेस्ट्रुअल एंड मोनोपॉज क्या होते हैं, ठीक है, ये बायो का क्वेश्चन है। बाकी ये सब देखिए आसान से ये 2 मार्क्स के और 3 मार्क्स के क्वेश्चन जो है, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड इस तरह से क्वेश्चन है। तो इस पेपर का देखिए ये डेरिवेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये डेरिवेशन आपको आना चाहिए अच्छे से, कोरोजन क्या होता है, और ये आपके 4 मार्क्स का क्वेश्चन है। तो मैंने 50 MCQ जो किए हैं आप उसको ध्यान से रखिए, क्योंकि क्वेश्चन बोर्ड में क्या होता है रिवाइज करते हैं MCQ या फिर उसी से रिलेटेड वैसे ही क्वेश्चन आते हैं। तो इसका मैं PDF का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, यहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। और अगर वीडियो आपको पसंद आए तो आप लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर करें। और बाकी आप और कमेंट करके बताएं और भी क्या आपको चाहिए, तो उसको मैं वीडियो बना के अपलोड कर दूंगा। चलिए।